आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ फॉरेन डेट पॉलिसी 2023। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये टॉपिक मैं आपके लिए लेट से लाया हूँ एज कंपेयर टू मैनी अदर यूट्यूबर्स। लेकिन दोस्तों ये पॉलिसी लेट लाया इसका मेन रीज़न ये था कि मेरे को केवल इतना नहीं बताना था आपको कि भाई नया पॉलिसी आया है और इसमें ये दो चार चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत डिटेल से वीडियो देना चाहता था, खास करके स्टार्टअप्स के लिए, कि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वैसे फॉरेन डेट पॉलिसी के रिगार्डिंग बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ 1 to 20 वीडियो सीरीज में, मेरे वेबसाइट्स में काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन इस पॉलिसी को मैं बहुत ही डिटेल से समझने के लिए समय लिया मैंने, जल्दबाजी कोई नहीं की, एक एक पॉइंट्स इसके डिटेल से समझे और स्टार्टअप्स को किस तरीके से ये अप्लाई हो सकता है ये पूरा जाना, और इसके रिलेटेड काफ़ी नोट्स आर्टिकल्स भी मैंने बनाए हैं। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप्स देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। स्टार्टअप्स के लिए क्या है, राइट? व्हाट इज द मोस्ट एनकरेजिंग पॉइंट फॉर स्टार्टअप्स इन दिस? तो सबसे अच्छा मेरे को पॉलिसी में ये लगा कि अब तक जो मैंने पुरानी पॉलिसीज ज्यादातर देखी उसमें बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चरर्स के बारे में ही चर्चा है, लेकिन यहां पर पहली बार एक ट्रेडर को भी बहुत ध्यान में रखा गया है कि ट्रेडर भी बहुत ज़रूरी है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स भी ज़रूरी है, स्टार्टअप्स जिसके पास ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवाने का कॉस्ट नहीं है, वो कहीं से प्रोडक्ट्स छोटा मोटा खरीद के आगे एक्सपोर्ट करते हैं, उस ट्रेडर का भी अच्छा खासा ख्याल इसमें रखा गया है हर स्टेज के ऊपर। फर्दर दोस्तों इस पॉलिसी का कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से कि यह पॉलिसी 5 साल तक चलेगी या 1 साल तक चलेगी। यहां पर सरकार ने यह बताया है कि जब तक हम इसकी डेडलाइन ना दें, जब तक हम इस पॉलिसी को खत्म ना करें, जब तक हम नया पॉलिसी कुछ नई लेके आते हैं, तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक काम आने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो जो भी फॉरेन डेट पॉलिसीज आई वो 5 5 साल के लिए थी, ठीक है, आती थी, नॉर्मली ये ट्रेडिशन था, लेकिन यहां पर सरकार का ऐसा मानना है कि ये सरकार लंबे समय तक रहेगी और उनके विजन भी लंबे हैं, बड़े हैं। यहां पर इस पॉलिसी की एंड टाइम नहीं दी गई है, ये पॉलिसी जो है ये कंटिन्यू आगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होगी, ऐसा यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टार्टअप या किस तरीके से एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन आगे ग्रो कर सकता है, इनके लिए क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या वो फायदे ले सकता है, यहाँ तक सीमित नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रेड में उसको सॉल्व करने का काफी कोशिश किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेटस होल्डर इन FTP, मेरा 1 to 20 वीडियो सीरीज देखा है तो उसमें हमने स्टेटस होल्डर की काफी चर्चा की है। स्टेटस होल्डर आप जैसे वर्ड समझ सकते हो स्टेटस, तो एक्सपोर्टर को भी स्टेटस मिलता है जब एक उनका टर्नओवर बढ़ता है। इससे उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उसको स्टार रेटिंग मिलती है, उसको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का नेम दिया जाता है। उनको काफी ट्रेड में फायदे मिलते हैं, जैसे कि उनको कोई बैंक गारंटी देनी नहीं है कस्टम्स को, क्योंकि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स रखवाना हो या कस्टम्स की फॉर्मेलिटी कुछ करनी हो तो बैंक गारंटी काफ़ी जगह पे आ जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन अगर हमको लेना हो तो पहले बैंक गारंटी देनी पड़ती है। फिर देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर सारे फायदे यहाँ पर ही नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर पर्सन के लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बताई है। आप दोस्तों अगर जाएंगे हमारी वेबसाइट में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुरु में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल आर्टिकल दिया है, ये कोई थियरी नहीं है, मैंने बहुत सारे केस लॉज, बहुत सारा चीज एकदम सिंप्लीफाइड आसान भाषा में इजी तरीके से यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया है, ये चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं प्रिविलेजेस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फर्दर मेन मेन टॉपिक्स इस वीडियो के अंतर्गत मैं कवर कर दूंगा। फिर ये आता है कि एक्सपोर्टर को बैंक से नेगोशिएशन करना मैंडेटरी नहीं रहता स्टेटस होल्डर के लिए, ये बहुत बड़ा फायदा है, इससे काफी ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाते हैं और रिस्क फ्री रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर
उनको ऑफिशियली सपोर्ट मिलता है क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसी से कि वहां से वो डायरेक्टली बेनिफिट ले सके सरकार से कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट उनको पेमेंट मिल जाएगा सरकार की तरफ से। अगर हम नॉन स्टेटस होल्डर हैं तो रिस्क फ्री ट्रेड करने में हमको बहुत मुश्किलात आएगी कि वो अपने ओपन टर्म्स में भी ट्रेड कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी विद द गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी ऑफ ECGC। इसके कारण उसका ट्रेड एकदम रिस्क फ्री हो जाता है और वो स्मूथली ग्रो कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स को ले सकते हैं। जो पार्टी वेरीफाइड है, पुरानी है, फॉरेन बायर्स सालों से काम करते हैं, उसके साथ वो ओपन टर्म्स में भी काम कर सकते हैं जिससे उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज है जो यहाँ पर सॉल्व होने जा रहा है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत, वो ये है कि स्टार्टअप बच्चे जो एक्सपोर्ट करना चाहते उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेटस होल्डर जिनको मिलता है, अगर आप ये स्टेटस होल्डर बन जाते हो तो आप गवर्नमेंट के पार्टनर बनेंगे, गवर्नमेंट आपका हाथ पकड़ेगा और आपको और सरकार के साथ मिलके स्किल एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है, पार्टिसिपेट करना है और जन जन को ये ज्ञान को पहुंचाना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो सरकार ने यहां पर कसम खा ली है कि जन जन को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चार्जेबल बेसिस के ऊपर होगी, लेकिन इनके वीडियो मटेरियल पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे, उसका कंटेंट पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि प्रैक्टिकल जो लोग प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो स्टेटस होल्डर बने हैं, वो सरकार के साथ उनकी पार्टनरशिप होगी, सरकार उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको बेनिफिट देंगे, राइट, उनको रेम्यूनरेशन देंगे और वो लोग आपको पढ़ाएंगे और जो बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं पेड ट्रेनिंग, उनको पब्लिक डोमेन के अंतर्गत ये वीडियो के माध्यम से या उनको एक डिजिटल बुक के माध्यम से, इस टूल्स के माध्यम से कंटेंट दिए जाएंगे जो प्रैक्टिकल होंगे और जो एक्सपोर्ट बिजनेस को काम जो एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये चीजें स्टेटस होल्डर को बेनिफिट मिलने जाने वाली है। अब मेन प्रश्न दोस्तों आपका यही आता है कि स्टेटस होल्डर कैसे बने, कितना टर्नओवर हमारा होना चाहिए ताकि हम एक स्टेटस वाले एक्सपोर्टर माने जाएंगे। तो इनकी कैटेगरी भी सरकार ने बहुत ही घटा दी है, बहुत ही, एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसीज बहुत कम है। आप अगर 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनना चाहते हैं तो केवल 3 मिलियन USD का टर्नओवर से बन सकते हैं, ये भी प्रिसीडिंग 3 ईयर्स का है और इसमें भी डबल वेटेज का बेनिफिट दिया गया है, आपको आगे के स्लाइड्स में दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2-स्टार के लिए 15 मिलियन चाहिए आपको, राइट, 3-स्टार के लिए 50 मिलियन USD, 4-स्टार के लिए 200 मिलियन और 5-स्टार के लिए 800 मिलियन USD। देखिए दोस्तों, डबल वेटेज का बेनिफिट क्या है? डबल वेटेज का मतलब यह है कि मैं 1 रुपए का एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे को स्टेटस ग्रांट कैलकुलेशन के लिए मेरा एक्सपोर्ट डबल यानी कि 2 गुना माना जाएगा। मेरा एक्सपोर्ट है 1 रुपए का, लेकिन सरकार उसको कितना मानेगी? 2 रुपए का। मेरा एक्सपोर्ट है $100 का, लेकिन सरकार उसको कितना मानेगी? $200 का। तो जो स्टार्टअप्स है जिसको 1-स्टार नहीं मिला है वो डबल वेटेज का फायदा ले सकता है और ये सर्टिफिकेट को, स्टेटस कैटेगरी को प्राप्त कर सकता है और एक्सपोर्ट में उसका बहुत। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये 2-स्टार, 3-स्टार, 4, 5-स्टार हाउस के लिए नहीं है डबल वेटेज, ये केवल 1-स्टार वालों के लिए है जो खास करके MSME है, जिसके पास ISO है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से वो आते हैं, ऐसी टेरिटरी से, या और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काम करते हैं, खास करके चैप्टर 7 और 8 में। ये सभी एक्सपोर्टरों को डबल वेटेज सरकार देगी, यानी कि आपका काम कितना हो गया? 3 मिलियन नहीं, ओनली 1.5 मिलियन USD कर दो,
12.5 करोड़ के आसपास आ रहा है अभी के यूएसडी टू आईएनआर का, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड। तो केवल इतना टर्नओवर पिछले 3 साल का मर्ज करके आप ये कर सकते हो। बिल्कुल, जो स्टार्टअप लगातार इसमें रहता है वो ये अचीव कर देता है। फर्दर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, वो है इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन कर दिया। ये कमिटी की बहुत जरूरत थी स्टार्टअप को, क्योंकि जितने भी ये सरकारी यूनिट्स हैं उसको अंडर वन अम्ब्रेला लाना बहुत मुश्किल है। और यहां पर तो दोस्तों एक्सपोर्ट है, हमको केवल इंडिया की चर्चा नहीं करनी है, हमको फॉरेन के भी गवर्नमेंट्स के लोगों का जरूरत पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर वी नीड दी सर्टन अप्रूवल फ्रॉम सर्टन मिनिस्ट्री, फ्रॉम सर्टन लाइसेंसेस, बट वो हमको मिल नहीं पाता। इसके लिए यहां पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन किया है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप तुरंत ये समझ जाएंगे। वीट का एक्सपोर्ट बैन है, लेकिन अगर बाहर के कंट्री में उसकी स्कैर्सिटी है और उनके गवर्नमेंट का कोई रिकमेंडेशन आए किसी पार्टी को लेके कि उनको माल दिया जा सकता है, तो हमारी सरकार अप्रूवल देगी। तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी जो है ये आपको हेल्प करती है ऐसे लाइसेंसेस दिलवाने के लिए जहां पर आपके बिहाफ में वो फॉरेन के गवर्नमेंट के ब्रांचेस, गवर्नमेंट के ऑफिसेस और इंडियन के गवर्नमेंट के ऑफिसेस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने जाएंगे तो मुश्किल होगा। कमिटी जो है ये आपको एक तरीके से हेल्प करती है कि जहां पर आप फॉरेन के गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते हो, आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अगर आप मिनिस्ट्रियल, अब जैसे आप यहाँ पर इंडिया में कोई गवर्नमेंट ब्रांच आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, आपको मदद नहीं मिल रहा है, आपकी क्वेरीज को सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी के पास जा सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि हेल्प मी टू गेट दिस अप्रूवल, मेरे को ये लाइसेंस चाहिए, आप मेरे को ये लाइसेंस, आप कैसे भी करके मेरे को ये लाइसेंस चाहिए, मेरे को ये अप्रूवल चाहिए, मेरे को ये काम करना है, ये आप सॉल्व करके दो। तो ये स्पेशल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का और कोई कुछ काम नहीं है, राइट? जैसे अदर गवर्नमेंट का ब्रांचेस में और भी काफी काम रहता है, लेकिन ये कमेटी केवल आपकी लाइसेंसिंग एप्लीकेशन की कंसल्टेशन देती है। जो भी आपको लाइसेंसेस चाहिए ट्रेड के रिलेटेड, वो आप इस या उनके पास जा सकते हैं, आप ही हमारे बिजनेस चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फर्दर बात आती है सिटीजन चार्टर को लेके, इनकी बहुत जरूरत थी दोस्तों, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई हमारा एप्लीकेशन देते, चाहे ऑनलाइन भी सबमिट करते, तो काफ़ी सारे एरियाज पे ये प्रॉब्लम होता कि हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग रहता। लेकिन अब सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा और वो टाइम फ्रेम के अंतर्गत आपको सर्विस मिल जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, तो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को का अप्रूवल लेने के लिए हम ANF2M का फॉर्म फिलअप करके DGFT को सबमिट करते हैं। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक कोटा, जिस प्रोडक्ट में जरूरत है कोटा का, फॉर एग्जाम्पल शुगर, तो दे नीड टू टेल द टाइम फ्रेम कि इतने टाइम फ्रेम में अंदर आपको ये जवाब मिल जाएगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और काम स्मूथली आगे बढ़ेगा। फर्दर तरीके से बहुत सारी जनरल प्रोविजंस दी गई है इस पॉलिसी में की है स्टार्टअप्स के लिए, जैसे कि ट्रेडिंग इन INR के ऊपर काफी फोकस दिया गया है कि अब हम डॉलर को नहीं लेकिन INR को तवज्जो दें, बायर को बताएं कि हम INR में बिल देंगे, कोशिश तो करें। क्योंकि अब क्या हो गया है कि जो बायर को प्रॉब्लम था कि करेंसी कन्वर्जन कराने में INR में वो कन्वर्ट कराएंगे तो दे विल बी इंकरिंग लॉट ऑफ चार्जेस, इसका यहाँ पर वो अब उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अब उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट काफी काम करने जा रही है। जगह जगह पे वास्ट्रो अकाउंट, जगह जगह पे वास्ट्रो अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, बढ़ रहा है।
इस वास्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है? अब फॉरेन बैंक जो है वो वास्ट्रो अकाउंट को रख सकती है यहां पर। अब ये वास्ट्रो अकाउंट में क्या होगा? वास्ट्रो अकाउंट में फॉरेन बैंक का INR पड़ा रहेगा यहां पर, उनको भेजने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है कि INR से USD कन्वर्ट करा के वो USD ले गए, क्योंकि हमारी भी बैंक वहां पर नास्ट्रो अकाउंट ओपन करवाएगी और वहां पर नास्ट्रो अकाउंट में भी फंड्स पड़े रहेंगे डॉलर्स में। तो जो भी आदान प्रदान होगा जो INR में होगा वो इधर पड़ा रहेगा फॉरेन बैंक का, और जो USD का हमारा काम होगा हमारी बैंक का वो उनके बैंक के नास्ट्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो केवल एट द एंड ऑफ द डे फाइनल टैली ही होगा जो केवल ट्रांसफर करना है, बाकी का तो वहीं से निपटा जाएगा। इसको ट्रेडिंग फीस है, खास करके जो ट्रांजेक्शन फीस है वो कम करने की कोशिश की गई है ताकि डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ना रहे, और हम INR को जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतनी हमारी कंट्री ग्रो होएगी और हम करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क से और काफ़ी कॉस्टिंग से बच जाएंगे। पर तो दोस्तों इम्पोर्ट ऑफ सैंपल्स को लेके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट किए गए हैं। पहले ऐसे हो जाता था कि कुछ भी सैंपल आ जाता वो हम ड्यूटी फ्री ले लेते, कहीं ना कहीं हम उसको पर्सनल यूजेज में मंगवा लेते और बिकॉज ऑफ द पर्सनल यूजेज ड्यूटी नहीं लगती और हमारे घर पे 5-7 हज़ार की चीज़ें आ जाती। लेकिन यहाँ पर अब सरकार ने बताया है कि हम कोई भी सैंपल होगा उसका पूरा ड्यूटी चार्ज करेंगे, केवल जो राखी आती है जो आपके फॉरेन सिस्टर आपको भेजते हैं इंडिया पे उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आपके सिस्टर राखी के साथ साथ कोई गिफ्ट भेजते हैं तो गिफ्ट के ऊपर ड्यूटी लगेगी। तो केवल आप ध्यान रखें कि अपना सिस्टर को इतना ही बताएं कि केवल राखी भेजे रक्षाबंधन में और कुछ नहीं, अगर भेजे तो ध्यान रखें कि इसके ऊपर ड्यूटी लगेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट को लेके भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ गए, और उसमें भी खास करके आपको 5 लाख से ज़्यादा गिफ्ट को एक्सपोर्ट नहीं करना है इन अ ईयर। फर्दर गवर्नमेंट ने एशियन क्लियरिंग यूनियन को स्ट्रेंथन किया है। अब देखिए दोस्तों एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है कि डॉलर की डिपेंडेंसी बहुत ही, अब जैसे डॉलर की डिपेंडेंसी हम नहीं रखना चाहते, हम चाहते अपना रुपया स्ट्रांग हो, लेकिन डॉलर का प्रभाव इतना हो गया है। अब बांग्लादेश का करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका है, और इंडिया का करेंसी है INR। तो अभी हम अगर बिल डॉलर में बनाएंगे तो होगा क्या कि बांग्लादेशी पर्सन को अपना टाका बेच के डॉलर लेना पड़ेगा बैंक से और आपको डॉलर ट्रांसफर करेगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब डॉलर वाला भी फ्री में तो नहीं देगा, डॉलर का भी चार्ज होगा। तो अब हमने बनाया है एशियन क्लियरिंग यूनियन, यानी कि क्लियरिंग यूनियन क्या करेगा, ये क्लियरिंग यूनियन डायरेक्ट टाका है, ये टाका को लेके उसके अगेंस्ट में INR दे देगा, यानी कि आपको डॉलर बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टर एशियन क्लियरिंग यूनियन का हेल्प ले सकते हैं और अपना ट्रेड को और अपना ट्रेड का कॉस्टिंग, ट्रांजेक्शन कॉस्टिंग और कम कर सकते हैं। फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, इसकी भी पॉलिसी काफी सिंप्लीफाइड मैनर में की जाएगी। मान के चलिए कोई इंपोर्टर है और आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कुछ मंगा रहे हैं भारत देश में। अब आपको पता है कि दवाई को लेकर कितने ज्यादा इधर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपको खास करके आपके प्रोडक्ट्स के लिए फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये आप अप्लाई कर सकते हैं DGFT से, इसके रिलेटेड ANF 2H करके फॉर्म है एनेक्सर बी का, जो आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मिल जाएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं उसको सेल करने के लिए आपको पूरी छूट मिलेगी और उस सेल में कोई भी आपको बाधा नहीं आएगी। कल सवेरे आपको ये कोई चैलेंज नहीं करेगा कि भाई ये दवाई का तो इधर भी डीलर है या इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये कुछ कॉपी करके चुराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना ट्रेड रिस्क फ्री कर सकते हो, ये फार्मास्यूटिकल वालों के लिए खास है, राइट? ये चीज़ वो लोग इनकी महत्वता समझ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी पीड़ा में आ जाते हैं, ये हमने काफ़ी देखा है। करके अगर उनके पास अपने इम्पोर्टेड मटेरियल का, अपने प्रोडक्ट्स का फ्री सेल एंड कॉमर्स सर्टिफिकेट होगा
तो उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी भी कहीं भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्टअप के लिए, ये मार्क कर लेना दोस्तों आपको, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज की लायबिलिटीज गवर्नमेंट ने, खास करके दोस्तों ये मार्क कर लीजिएगा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज की लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। अब ये क्या है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी, मतलब कि मैं कुछ अगर सामान मंगवा रहा हूं तो मैं वहां पर मेरे सप्लायर से, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं कुछ चाइना से ले रहा हूं, तो मैं मेरे सप्लायर को, चाइनीज सप्लायर को बता सकता हूं कि मेरे को प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। वो तो आपको पता ही है राइट, कि वो हम मंगवाते हैं इंस्पेक्शन करवा के। लेकिन अभी के टाइम पे धीरे धीरे क्या बढ़ रहा था कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट करवाने के बावजूद भी प्रोडक्ट जैसा चाहिए वैसा आ नहीं पा रहा था, ऐसे काफी केसेस आते रहते हैं आपको भी पता है। तो अगर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी ने बता दिया कि ये प्रोडक्ट बराबर है, जैसा रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट बायर का उसी तरीके से एक्सपोर्टर ने भेजा है, तो वो एजेंसी अगर सर्टिफिकेट इश्यू करके देती है, उसके केवल सर्टिफिकेट भी यहां पर अभी नहीं चलेगा दोस्तों, उसके साथ फोटो वीडियो भी देना पड़ेगा और वो सरकार को अपलोड करना पड़ेगा। इसके भी रूल्स आ गए, इसके स्टेप्स हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी को काम कैसे करना है, वो कंटेनर को इंस्पेक्ट कर लेती है, सामान को जांच कर लेती है, उसके फोटो वीडियो विजुअल उसको सारा भेजना पड़ेगा, हर एक शिपमेंट का ऑनलाइन उसको अपलोड करना पड़ेगा, ये सरकार चेक करेगी। और फिर भी अगर सामान इधर गड़बड़ी आई तो इसकी लायबिलिटी ये इंस्पेक्शन एजेंसी के माथे जाएगी राइट, और इनसे वसूली की जाएगी कि क्यों आपने ये झूठा सर्टिफिकेट दिया, क्यों आपने सर्टिफिकेट देने के वक्त ध्यान नहीं रखा। तो इंस्पेक्शन एजेंसी यहां पर फंस रही है बहुत बड़ी, वरना क्या होता था, बेचारा इंपोर्टर बायर यहां पर इंडिया में नुकसान झेलता था कि भाई मेरे को माल बराबर नहीं आया, जैसा चाहिए ऐसा नहीं आया, धोखा हो गया, और पैसे दे देते वो राइट। तो जो सप्लायर है उनको तो पैसे मिल गए, फोन नहीं उठाता, मेल का जवाब नहीं देता, कुछ नहीं करता, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स ब्लॉक कर देता। लेकिन ये एजेंसी जाएगी कहाँ, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, तो रेप्यूटेड एजेंसी से अगर हमने काम करवा लिया तो प्रोडक्ट का क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड वाइड राइट, ये सॉल्व होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर मैं कहूँगा मास्टर स्ट्रोक है इस पॉलिसी को, इस मास्टर स्ट्रोक है इस पॉलिसी में दिया गया है, बड़ा फायदा होने जा रहे वाला है। तो बहुत बड़ा फायदा होने जाने वाला है इस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेके। फर्दर दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स को बनाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स को, अब चेक किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या पोटेंशियलिटी है उसकी, प्रोडक्ट्स उसकी R&D, उसके सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उसके सारे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को कोलैबोरेट करके हब्स बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आगे के स्लाइड्स में कुछ स्टार्टअप लेवल का इन्फॉर्मेशन दिया है, आप चेकआउट करना। लेकिन इस पॉलिसी में मेनली गवर्नमेंट ने एलोकेशन ऑफ फंड्स किया है कि भाई हम इतना पैसा देंगे, यहाँ सपोर्ट देंगे। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली स्टार्टअप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को कोई स्टेप्स नहीं लेने, ठीक है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा ये इस पॉलिसी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, और जो खास करके वहाँ के लोकल बिजनेस है, सर्टन बिग इंडस्ट्रीज है, उसके साथ कोलैबोरेट करके वो लोग हब्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी आप डिटेल जानना चाहते हैं, यू विल बी गेटिंग इन टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फुल डाउनलोड आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, DGFT.gov.in वेबसाइट है, इसमें नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 न्यू, यहां पर आपको जाना है व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में आपको दो मुख्य चीजें आपको मिलेगी, वो यहां पर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और हैंडबुक ऑफ प्रोसीडियर। ये दोनों आपको डाउनलोड करने हैं, मोस्ट IMP है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये है सारी पॉलिसीज दी गई है और उसको लागू कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लेना है, कहां कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो हैंडबुक ऑफ प्रोसीडियर में दिया है।
और उसको एकदम से आसान भाषा में स्टार्टअप लेवल का इंफॉर्मेशन मैंने दिया गया है मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेड वेरी इजी आर्टिकल में, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेड वेरी इजी आर्टिकल में जो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताया गया है। हो सकता है तो इनको खास प्रिंट करिएगा, मेक श्योर यू प्रिंट दिस एंड रीड दिस फर्स्ट, राइट। और फिर आप जो है वो पॉलिसीज को रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और डेफिनेटली डाउट क्वेरीज के लिए तो हम है ही, और इसके बारे में मैं आपको और भी आगे इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिकली इस पॉलिसीज का फायदा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फर्दर आता है एग्जम्पशन रेमिशन स्कीम्स के बारे में, जहां पर एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एंड आरओडीटीईपी स्कीम्स के बारे में जिक्र है। अब जैसे कि दोस्तों एडवांस ऑथराइजेशन है तो यहां पर इसके अंतर्गत आप ड्यूटी फ्री सामान को ला सकते हैं। सामान मतलब यहां पर दोस्तों आता है रॉ मटेरियल, ठीक है, उसमें से आपको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनवाना है और आपको वो फिनिश गुड्स, भले आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना हो, आप एज ए ट्रेडर भी किसी यूनिट को दे सकते हैं और आप वहां पर प्रोसेसिंग करा सकते हैं। जब सामान आपका फिनिश गुड्स बन जाता है तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना है और उसमें वैल्यू एडिशन आपका 15% होना चाहिए, यानी कि मैं 100 रुपये की चीज लाता हूं तो मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए 115, ठीक है, ये मेरा कंपल्सन रूल्स है और यहां पर मेरे को ये पूरा साइकिल 18 मंथ्स में कंप्लीट करना है आफ्टर अवेलिंग दिस ऑथोराइजेशन। वैसे ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन स्कीम में मेरा वैल्यू एडिशन मेरे को 20% करना है, लेकिन ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन है ये ट्रांसफरेबल है। अगर मुझे लगता है कि मेरे को किसी और को ट्रांसफर कर देना चाहिए और वो पार्टी अब आगे जो मेरा बचा कुचा एक्सपोर्ट है वो करेगी, तो आप इस चीज को ट्रांसफर कर सकते हो और वो अपना बाकी का एक्सपोर्ट कंप्लीट करके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ सकते हैं और फर्दर आप मेरे को पूछ सकते हैं। फिर आरओडीटीईपी स्कीम के बारे में आता है। आरओडीटीईपी स्कीम के बारे में मैंने स्पेसिफिक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो कि आरओडीटीईपी स्कीम अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर ऑन एफओबी वैल्यू आपको दिया जाता है बेनिफिट, जो स्क्रिप्ट के रूप में आता है और जो स्क्रिप्ट आप इंपोर्ट ड्यूटी भरने में यूज कर सकते हो और अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भर पा रहे हैं अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी है अपने स्क्रिप्ट पॉइंट से, तो आप उसको किसी इंपोर्टर को सेल भी कर सकते हो और उसके आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स भी मिल जाते हैं जिसके अंतर्गत आप ये ट्रांसफर कर सकते हो अपने अपना आरओडीटीईपी। फिर आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड पार्क्स। तो ईओयूज क्या है दोस्तों, कि ये ऐसे यूनिट्स हैं कि जिन्होंने, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, इट्स नॉट फॉर द ट्रेडर्स बेसिकली। तो ये यूनिट्स ऐसी है जो सोच रही है कि मेरे को एक्सपोर्ट ही करना है, भले मैं प्रोडक्शन इंडिया में करूंगा लेकिन मैं सामान पूरा विदेश में भेजूंगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड पार्क्स में भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, तो ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं। ये का सोच क्या है कि हम इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन इंडिया में सेल नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट ही करना है। तो ये विचारधारा को भी सरकार सपोर्ट देती है और ईओयूज को फायदा ये मिलता है कि जो वो रॉ मटेरियल लेते हैं उनमें उनको जीएसटी नहीं लगता है और एक्सपोर्ट करते हैं उसका वैल्यू एडिशन भी उनको स्ट्रिक्ट नहीं होता, लाइक 15-20%। फिर आता है दोस्तों डीम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर सरकार ने डीम्ड एक्सपोर्ट को बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से प्रेजेंट किया है पॉलिसी में। अब डीम्ड एक्सपोर्ट केवल बेनिफिट लेने के लिए नहीं है, पहले समझते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है। डीम्ड एक्सपोर्ट यह है कि जैसे कोई यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही डायरेक्टली, लेकिन वो किसी और मर्चेंट एक्सपोर्टर को सामान दे रही है और वो कोई और मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भले ही मेरे आईसी से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मेरा सामान तो जा रहा है जो विदेश जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपोर्टर को कहेंगे हम डीम्ड एक्सपोर्टर्स, जो डायरेक्टली नहीं है लेकिन उन्होंने सामान दिए हैं और वो सामान आगे एक्सपोर्ट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अंडर दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देयर इज अ स्कीम जो है ईपीसीजी,
दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब वो ईपीसीजी के अंतर्गत कोई मशीनरी ड्यूटी फ्री ला सकता है और उन्होंने मशीनरी ड्यूटी फ्री लाई। अब इस मशीनरी ड्यूटी फ्री लाई, लेकिन अभी इस मशीनरी को जो ड्यूटी बचाए हैं वो ड्यूटी जितनी बची है उससे उनको 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 6 साल में। अब मशीनरी तो लाए, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लाइसेंस से, तो वो किसी और को भी दे सकते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को, और वो मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो भी जो डीम्ड एक्सपोर्टर्स हैं उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रहा है, भले ही वो एक्सपोर्टर खुद के आईसी से एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है कि जितनी ड्यूटी उन्होंने बचाई है उसका मल्टीप्लाई बाय 6 इन 6 ईयर्स अगर ये कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर भी कर दे ट्रेडर उनके बिहाफ पे, तो भी ये डीम्ड एक्सपोर्टर माने जाएंगे और उनका जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, वो फुलफिल्ड माना जाएगा और उसके अगेंस्ट में उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो लाइक दैट वे द डीम्ड एक्सपोर्ट हैज बीन क्लैरिफाइड विद एन एग्जाम्पल्स। सो यू मे गो थ्रू द पॉलिसी फॉर फर्दर डिटेल्स। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें, ताकि आपको आइडिया लगे, राइट, आप इसमें बहुत अच्छा रिसर्च कर सके, आप पॉलिसी को पढ़ के और समझ पाए और जान पाए। ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म की स्टार्टअप को बहुत ज़रूरत थी, जो यहाँ पर पॉलिसी में बताया गया है। अब आप ऑफिशियली अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेड डिस्प्यूट पोर्टल्स बनाए गए हैं DGFT के साइट में, विथ योर बायर्स या फिर योर स्टेक होल्डर्स। ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छे कदम पॉलिसीज में रखे हैं, जैसे कि सरकार ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स बनाएगा। ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब आपकी स्टोरेज, पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजों को मैनेज कर देगा। आपको पता ही है Amazon FBA है, फुलफिलमेंट बाय Amazon जो कर रहा है काम, उसको ही कंपीट करने के लिए सरकारी एक्सपोर्ट हब्स होंगे, जो बहुत सस्ते में सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। निर्यात केंद्र जो खास करके फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उसको स्ट्रेंथन करने का बात किया गया है, और जो एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर था उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 10 लाख पर कंसाइनमेंट आप कुरियर से भेज सकते हो, 10 लाख रुपीस का। अब देखिए दोस्तों कुरियर मोड में आप क्या एक प्लस पॉइंट ले सकते हैं कि आप एक कुरियर शिपिंग बिल में आप इस मोड को भेज सकते हैं। तो ये अगर कुरियर शिपिंग बिल में जाएगा तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका EBRC जो फाइलिंग करवाना है वो EBRC से बच जाएंगे, क्योंकि अगर ये आपके शिपिंग बिल से हुआ तो आपको EBRC फाइल करना पड़ेगा, और पर EBRC बैंक 1200 से 1500 रुपए लेता है, ठीक है, 1000 से 1500 तक का रेंज लगी जाता है बैंक्स का पर EBRC का, ठीक है। आप पर एक्सपोर्ट में आपका प्रॉफिट ही ई कॉमर्स में कितना कम होता है पर प्रोडक्ट का, 500-700 तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन इतना आपका EBRC में खर्चा लग जाएगा। तो आपको कुरियर मोड के थ्रू अगर आप भेज देंगे तो 10 लाख रुपये तक का पर सेल के बात कर रहा हूं मैं आपको, पर कंसाइनमेंट की, ठीक है, तो इतना तो बड़ा आपका होगा नहीं, तो इससे आप भेज सकते हो, इससे आपको EBRC का झंझट नहीं रहेगा। और हेल्प, राइट, कैसे मिल सकती है आपको पॉलिसी में, और इसको कैसे आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, और आप कैसे आप इसमें फर्दर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लेके, आ जाइएगा बिंग पे तरफ, bing.com, और बिंग में आपको खास करके जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर डाल लेंगे तो आपको यहाँ पर एक चैट टूल मिल जाएगा बिंग का। ये मैं क्यों यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ कि दोस्तों खास करके जब हम बिजनेस सर्च कर रहे हैं, चैट सर्च कर रहे हैं, तो आपको GPT शायद इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि GPT में इंफॉर्मेशन अभी भी पुरानी आ रही है। हालांकि उसमें एक्सटर्नल कुछ ऐप्स और प्लगइन्स है जिसके जरिए हम कुछ सर्चेस करा सकते हैं, लेकिन आई फाउंड दिस टू बी मोर हेल्पफुल, ठीक है, फॉर दिस सिनारियो, कि अगर आपको खास करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिलेटेड लेटेस्ट सर्च करना है तो दिस ऑल्सो कम विद द GPT 4, क्योंकि आप जब GPT अभी के टाइम में यूज कर रहे हैं तो वो ओल्ड वर्जन मिल रहा है फ्री में,
अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो फिर आपको जीपीटी 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बिंग में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जीपीटी 4 ही मिल रहा है जो लेटेस्ट है। ठीक है, अब आपको करना यह है, आपको और जानकारी यहाँ पर लेनी है और आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको मोर प्रिसाइज में जाना है, राइट। क्योंकि जब हम पॉलिसी को स्टडी करते हैं देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए, ना कि बैलेंस और क्रिएटिव की तरफ। अगर आप कुछ राइटिंग है, सोशल मीडिया वगैरह है, तो यू कैन गो विथ एन क्रिएटिव मोड, लेकिन यहाँ पर व्हेन यू आर स्टडिंग द पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन गो फॉर अ वेरी प्रिसाइज मोड। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पुट ऑन कर देनी है, राइट। क्यों हमारी वेबसाइट? क्योंकि हमारे वेबसाइट्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल आर्टिकल्स हमने डाले हुए हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडी केस लॉज डाले हुए हैं, इसके ऊपर से एआई वर्क करेगा तो आपको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। यूं ही आप सर्च करेंगे तो आपको उतना इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं सर्च आउट कर रहा हूं ईबीआरसी फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, यहां पर मैंने सर्च, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो लेटेस्ट होगा चीज वो आपको मिलेगा, ना कि पुराने डेटाबेस में। ठीक है, तो यहां पर पहले ध्यान रखिए, कीप ऑन माय वेबसाइट, ये ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉट गुरु एंड देन यू सर्च फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहां पर जो है, देखिए पहले हमारे वेबसाइट के बारे में आ गया डिटेल्स, अब यहां पर जो है ईबीआरसी के बारे में ये लोग डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है, अब फर्दर जो है, यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, इन दिस यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। देखिए यहां पर आपको डायरेक्टली वेबसाइट ही मिल गई है, जैसे हियर यू आर गेटिंग माय वेबसाइट। ठीक है, सो यू क्लिक ऑन दैट इंफॉर्मेशन, सो यहां पर डायरेक्टली आपको जो है ब्लॉग्स मिल जाएगा, जैसे मैंने लेटेस्ट यहां पर जो अपग्रेड किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों हम जो अभी काम कर रहे हैं वो हम एआई से काफी एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो एआई आपको दे रहा है। ठीक है, हमारा इनपुट आपको मिल रहा है, तो अभी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा वर्ल्ड वाइड काम चीजें चलता रहता है, बहुत सारे सिनारियोस में अप डाउन होते रहता है, तो मेक श्योर यू स्टे इन टच विद अस। लेकिन आप है एज अ बेसिक लेवल पे, शुरुआत पे इस तरीके से एआई से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एआई से स्टडी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुरु से आप थोड़ा चीजें जान सकते हैं, एंड देन यू कैन कम टू द प्रो आर्टिकल, देन यू कैन कम विद द मोर सॉर्ट ऑफ स्टफ विद अस, राइट। यू कैन कनेक्ट विद अस and solve your queries in more details, in more practical way. तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.